थोड़ी ही देर में शुरू होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 एशिया कप का महामुकाबला। सुपर फोर में एक दूसरे के आमने सामने होंगी टीमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर फोर का महामुकाबला खेला जाना है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार भारत और अफगानिस्तान दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है, और साथ ही बताएंगे कि यह मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते कि इस मुकाबले में टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करके एक बेहतरीन जीत दर्ज करे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत की टीमें काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। ऐसे में यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम टीम इंडिया के सामने भी एक शानदार मुकाबला खेल सकती है, क्योंकि अब वो टीम नहीं रही है अफगानिस्तान जिसे कमजोर टीम माना जाए। अब एक मजबूत टीम के साथ मैदान पर उतरने वाली है अफगानिस्तान की टीम। दोस्तों, हम बात करें दोनों टीमों की तो वैसे दमदार टीमें हैं, क्योंकि इस एशिया कप की दो ही यहाँ पर प्रबल दावेदार लग रही है खिताब की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं अफगानिस्तान की टीम के बारे में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी काफ़ी शानदार हैं। गेंदबाजी में इस टीम के पास राशिद खान और मुजीबुर रहमान के रूप में दो ऐसे स्पिनर हैं जिन्होंने अब तक पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है, तो वो यहाँ पर भारत के खिलाफ भी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर फजल हक फारूकी ने यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी की थी एशिया कप में पहले ही मुकाबले में, तो इनसे भी टीम इंडिया को सावधान रहना होगा। इसके अलावा नवीन उलहक और अजमतुल्ला उमर जाई भी यहाँ पर शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। जबकि बल्लेबाजी की हम बात करें तो इस टीम के पास दमदार बल्लेबाजी हैं। अजरतुल्ला जजाई, रहमानुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जादरान, नजीबुल्ला जादरान जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद है जो यहाँ पर कमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं आपको पूरी प्लेइंग 11 यहाँ पर अफगानिस्तान की। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए ओपन करेंगे अजरतुल्ला जजाई और रहमानुल्ला गुरबाज, जबकि नंबर 3 पर इब्राहिम जादरान खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 4 पर नजीबुल्ला जादरान उतरेंगे। वहीं पर नंबर 5 पर करीम जन्नत उतरेंगे, तो नंबर 6 पर मोहम्मद नबी उतरने वाले हैं। नंबर 7 पर राशिद खान, तो नंबर 8 पर अजमतुल्ला उमर जाई उतरेंगे, तो नंबर 9 पर नवीन उलक, नंबर 10 पर मुजीबुर रहमान और नंबर 11 पर फजल हक फारूकी उतरेंगे। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ टीम इंडिया की हम बात करें तो टीम इंडिया के पास भी दमदार खिलाड़ी मौजूद हैं। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से KL राहुल और उनके साथ होंगे रोहित शर्मा। इसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली उतरेंगे, तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के 4 खतरनाक बल्लेबाज इस समय काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, तो इन दोनों से यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों, हम नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर हमें हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 6 पर हमें दिनेश कार्तिक खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि एक फिनिशर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। जबकि रविंद्र जडेजा के बाहर होने से टीम इंडिया को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है, लेकिन उनके जगह पर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अक्षर पटेल को टीम इंडिया में जगह मिली है, जो कि काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो नंबर 7 पर हमें अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। जबकि दोस्तों, हम बात करें नंबर 8 की, तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार दिखने वाले हैं। तो नंबर 9 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे युजवेंद्र चहल। तो वहीं पर हमें नंबर 10 पर खेलते हुए नज़र आने वाले हैं रवि बिश्नोई। तो नंबर 11 पर खेलते हुए दिखेंगे शानदार गेंदबाज अर्शदीप सिंह। यानी कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से आवेश खान को मौका नहीं मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा। तो दोस्तों, ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 पर खेला जाएगा। यह मुकाबला खेला जाएगा दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि शुरू होगा 8 सितंबर को। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।